स्टार्ट। नमस्कार, आज हम यहाँ पर हैं आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर में। मेरे साथ इग्नू अध्ययन केंद्र 27129 के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जयदीप जी हैं। हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इग्नू अध्ययन केंद्र आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर डिस्ट्रिक्ट और आसपास के गांव के विद्यार्थियों को कनेक्ट करने का प्रयास करता है, कैसे उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्रदान करने में ये अध्ययन केंद्र सपोर्ट सर्विस प्रदान करता है। जयदीप सर, मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि इस अध्ययन केंद्र पर कौन कौन से पाठ्यक्रम इग्नू के ऐसे हैं जो कि संचालित होते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, जुड़ने वालों को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 कोर्स हैं हमारे पास, जिसमें बैचलर है, मास्टर डिग्री है और डिप्लोमा कोर्सेज हैं। बैचलर डिग्री की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास बीए है और ऑनर्स में हमारे पास कोर्स हैं इकोनॉमिक्स में है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। अगर हम मास्टर डिग्री की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हमारे पास हिंदी में मास्टर डिग्री है। अगर डिप्लोमा कोर्सेज की बात करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट पर हमारे पास है, ट्रांसलेटर की हमारे पास डिप्लोमा डिग्री है और वो है रूरल डेवलपमेंट पर हम डिप्लोमा करवाते हैं। ऐसे करके 22 तरीके के कोर्स हमारे आरएमपी अध्ययन केंद्र पर संचालित। बहुत अच्छा जयदीप सर, मैं अब जानना चाहूँगी कि अध्ययन केंद्र सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स तो इग्नू की संचालित कर ही रहा है। अध्ययन केंद्र पर यदि कोई विद्यार्थी संपर्क स्थापित करना चाहता है तो अध्ययन केंद्र के खुलने का समय क्या है? मैम, अध्ययन केंद्र के खुलने का समय हमारा 9:30 का है सुबह, और हम लोग 5 बजे और 5:30 बजे तक बच्चों को मिलते हैं। और संडे में भी हम लोग अपना अध्ययन केंद्र ओपन रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग हमारे इग्नू अध्ययन केंद्र में, जिन्होंने एडमिशन लिया और कहीं ना कहीं वो जॉब में, तो इसलिए हम संडे को भी एक फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं कि कोई भी बच्चा आकर हमारे सेंटर से 9 to 5 जानकारी ले सकता है। और आपको अध्ययन केंद्र पर मैं स्वयं मिलूंगा, हमारे सहायक वो मिलेंगे, जैसी भी जानकारी, जो भी फैसिलिटी होती है हम बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो भी सूचनाएँ होती हैं हम उनको देने की कोशिश करते हैं। मैम, ये एक रूरल एरिया है तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे हम लोगों से फेस टू फेस ज़्यादा कनेक्ट हों, तो इसका हम ध्यान रखते हुए प्रॉपर अपने ऑफिस में बोर्ड बनाकर लगा के रखते हैं, टाइमिंग लगा के रखते हैं, सारे मोबाइल नंबर डिस्पैच करके हम लोग रखते हैं कि हर तरीके से कनेक्टिविटी हमारे स्टूडेंट्स के साथ बनी। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी है अपने हमारे विद्यार्थियों के लिए जो कि सीतापुर जनपद या इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी रविवार के दिन भी आरएमपी कॉलेज स्थित अध्ययन केंद्र पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समन्वयक डॉक्टर जयदीप सिंह सर या अन्य सहायक यहाँ पर उपस्थित होंगे जो कि आपकी जानकारी को और आपसे संबंधित जो भी इग्नू के पाठ्यक्रमों से संबंधित क्वेरी होती है उसका समाधान करेंगे। मैम, कुछ मेरी क्वेरीज हैं एज ए कोऑर्डिनेटर। अगर इस सत्र में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो उसकी लास्ट डेट क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए। और क्या प्रक्रिया होती है कि एक बच्चा ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में एडमिशन ले और कैसे ले, उसकी ज़रा प्रक्रिया विस्तार से थोड़ा सा हमारे बच्चों को अगर आप बता पाएंगे, मार्गदर्शन कर पाएंगे तो सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि जो भी हमारे विद्यार्थी जनवरी 2024 सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 20 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। इस निर्धारित तिथि तक विद्यार्थी इग्नू के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपने पूछा कि किस प्रकार से विद्यार्थी को किस अपने एडमिशन के प्रोसेस को कैसे पूरा करना। एडमिशन के प्रोसीजर को पूरा करने के लिए विद्यार्थी को इग्नू की वेबसाइट पर जाना होता है। इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in है। वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर ही इग्नू के एडमिशन जनवरी 2024 के लिए लिंक है, क्योंकि वर्तमान समय में इग्नू दो तरह के पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, ऑडियल और ऑनलाइन प्रोग्राम मोड है। तो जो भी हमारे विद्यार्थी
यदि इग्नू के ऑडियल मोड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एडमिशन का लिंक है ignoadmission.samarth.edu.in। इस लिंक पर जाकर हमारे विद्यार्थी अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इससे पहले हमारे विद्यार्थियों के पास में उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैंड कॉपीज हैं, जो कि 200 KB के अंतर्गत प्रत्येक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका PDF। इसके अलावा विद्यार्थी को अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैंड कॉपी, जो कि 100 KB के अंतर्गत हो सकती है, विद्यार्थी के अपने सिग्नेचर की स्कैंड कॉपी, वह भी 100 KB के अंतर्गत ही होनी चाहिए उसका PDF भी। जो विद्यार्थी किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं, SC ST या OBC, उनके पास कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट होता है, उस प्रमाण पत्र की भी स्कैंड कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा जहां तक फीस का सवाल है, फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के माध्यम से विद्यार्थी इग्नू के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ मैं विद्यार्थियों को ये भी कहना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना मोबाइल नंबर और अपना ही ईमेल ID एडमिशन के समय रजिस्टर करें, क्योंकि कई बार होता है कि कॉमन सर्विस सेंटर में जो पर्सन होते हैं वो अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर कर देते हैं, तो उस समय फिर ऐसी परिस्थिति में हमारे विद्यार्थियों तक हमें सूचना पहुँचाने में हम लोग असमर्थ होते हैं। तो विद्यार्थी इन बातों का ध्यान रखें और इग्नू के द्वारा संचालित जो भी स्किल बेस्ड प्रोग्राम हैं उनमें अपने आप को नामांकित कर अपने नॉलेज के साथ साथ अपने स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट को क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर का भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ के भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक पेज, प्रोफाइल, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल हैं।